अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से, तो यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा। तो सुना आपने, 2 मई को यूपी की बरेली सेंट्रल जेल से बाहर आते ही यूपी के बाहुबली नेता धनंजय सिंह बोल रहे थे कि मेरी पत्नी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसके एक दिन बाद ही खेला हो गया। दावा किया जा रहा है कि धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने बसपा का टिकट वापस लौटा दिया है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की सोची समझी रणनीति को भांपते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने श्रीकला रेड्डी का टिकट काट कर अपने सिटिंग सांसद को दे दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देश में तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर जहां चुनाव प्रचार अब थम चुका है और दिग्गज नेता अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई, जिसमें बसपा की जौनपुर संसदीय सीट से पार्टी की प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी ने टिकट लौटा दिया है। नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने टिकट आखिर क्यों लौटाया, इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। अब सूत्रों की माने तो धनंजय सिंह के पास किसी पार्टी के एक बड़े नेता का फोन भी आया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी श्रीकला को चुनाव से पीछे कर लिया है। वैसे चुनाव तो धनंजय सिंह खुद लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें रंगदारी और अपहरण के केस में 7 साल की सजा हो गई थी। 2 महीने जेल में काटने के बाद 2 मई को उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगी। कहा यह जा रहा है कि धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने से जौनपुर में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। जौनपुर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी, पार्टी को लोकल स्तर पर कोई मजबूत नेता नहीं मिला, तो फिर महाराष्ट्र में मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह पर ही दांव लगा दिया। कृपाशंकर और धनंजय सिंह दोनों ठाकुर बिरादरी से हैं। धनंजय की पत्नी के कारण बीजेपी के वोट में बंटवारे का खतरा था, और इसलिए बताया जा रहा है कि उन्हें बिठाया गया है। बताया जाता है कि मायावती ने जौनपुर सीट से अपने सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव का टिकट काटकर श्रीकला सिंह को टिकट दिया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भी कर दिया था, लेकिन एन वक्त पर श्रीकला ने टिकट लौटाकर सबको चौंका दिया। अब जौनपुर से बीएसपी के टिकट पर श्याम सिंह यादव को मैदान में उतारा गया है। वो अभी बीएसपी के सिटिंग सांसद भी हैं। सूत्रों की माने तो रविवार देर रात मायावती ने उन्हें फोन कर चुनाव लड़ने को कहा, फिर उन्हें पार्टी की तरफ से आज जरूरी कागजात भी मिल गए। अब ये सवाल सबके सामने है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह क्या चुनाव लड़ेंगी? उनके पास बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने का विकल्प तो है, वो जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं। लेकिन श्रीकला सिंह ने बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बीच खबर है कि टिकट कटने के बाद बीजेपी के एक ताकतवर नेता ने धनंजय सिंह को फोन किया। अब दावा किया जा रहा है कि धनंजय की पत्नी के चुनावी मैदान से हट जाने का सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। एक और दावे के मुताबिक हाल ही में यूपी की राजनीति को लेकर बेंगलुरु में राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात हुई है। राजा भैया राजपूत समाज में अच्छा खासा दबदबा रखते हैं और धनंजय सिंह उनके दोस्त हैं। ऐसे में राजपूत बिरादरी की नाराजगी को दूर करने और यूपी में मिशन 80 की राह आसान करने के लिए राजा भैया की मदद ली जाती दिख रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात शनिवार की रात हुई थी और रविवार दिन भर यूपी में सियासी माहौल गरमाया रहा। रात होते होते श्रीकला का टिकट कटना और श्याम सिंह यादव के पास मायावती का फोन जाना, इन सबको देखते हुए इस पूरे गणित के पीछे साफ तौर पर बीजेपी का हाथ भी होना माना जा रहा है। अब भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, देश की राजनीति में दबंगों का दबदबा कायम था, है और रहेगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।